गुड। तो जी ये हो गया चौथा, और अभी लास्ट पांचवा। पांचवा कि आज मैंने ऐसा क्या किया कि जिस पर मुझे गर्व है, जिस पर मुझे गर्व है कि मैंने आज क्या किया भाई, कि जिसके ऊपर मुझे गर्व लगता है। गर्व से कहो कि भाई मैंने ये किया आज, और मुझे अपने आप को एक्नॉलेज करना है उसके लिए कि मैंने आज क्या किया। तो क्या बोल सकते हैं आप स्वाति? तो है ही, और कोई एनीबडी न्यू? धवल जोशी बोलिए। धवल जी पहली बार बात करें, बोलो क्या ऐसा आपने किया है कि जिसके ऊपर आपको गर्व है? गुड इवनिंग सर, एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गस, गुड इवनिंग, बोलिए। सर, मैं काफी ज्यादा डेड फील कर रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने कॉन्फिडेंस रखा और मैं मेरे दादाजी के साथ आज खामगांव गया था। मैं जिस मोमेंट घर से निकला, मुझे उस मोमेंट से लग रहा था कि मुझे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस रखा, मैंने गाड़ी चलाई और खामगांव के पूरे ट्रैफिक में मैं गाड़ी अच्छे से चलाया और मैं मेरे दादाजी को सेफली घर लेके आया। तो ये मेरे एक प्राउड मोमेंट की बात है कि मैंने कॉन्फिडेंस रख के गाड़ी अच्छे से चलाई और पूरा ध्यान रखकर मैं वापस ले आया। थैंक बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। यू। और आपने मंगलवार का भी हिप्नोटिज्म का प्रोग्राम किया है यस सर। मेरा, मंगलवार का हिप्नोटिज्म का, तो उसमें आपको क्या अनुभव है, कैसा लगा, जरा शेयर करो ना, ताकि लोगों को मालूम पड़ेगा कि वो यदि सजेशंस लेते हैं, सर अफर्मेशंस, है ना, अफर्मेशन से क्या मेरा फायदा होता है। यस सर सर हिप्नोटिज्म जो था वो मेरा पहला सेशन था आपके साथ का, और बहुत न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई जो मैं आज तक नहीं समझ पाया था, वो चीजें मुझे गहराई से समझ आई। और हिप्नोटिज्म जब वो चीज चल रही थी प्रोसेस में, तब मैंने एक अलग दुनिया देखी खुद के अंदर कि कैसी दिखाई देती है। मतलब काफी लोग मुझे काफी चीजें बोलते आए थे, लेकिन मैं नहीं देख पाया था अभी तक। वो चीज मुझे दिखाई दी उस दिन, और काफी नए नजरिए पता चले कि ओके, इस नजरिए से भी दुनिया को देखा जा सकता है। तो हिप्नोटिज्म मेरे लिए बहुत अच्छा। कौन सा नजरिया, फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपने कहा था कि मैं आपको माफ करता हूं, मतलब आपके जीवन, आपके हर एक के जीवन में ऐसा कोई इंसान होता है जिससे आप बहुत ज्यादा नफरत करते हो, तो उन्हें माफ इस बेसिस पर करना है कि आप गलत नहीं हो, आप अच्छे या बुरे इंसान नहीं हो, बस मैं जैसा एक इंसान चाहता था मेरी दुनिया में, आप बस वैसे नहीं हो। तो आप अच्छे बुरे नहीं हो, बस मैं जैसा चाहता था वैसे इंसान नहीं हो, तो मैं इसके लिए आपको माफ करता हूं। ये मैंने एक बराबर, सबसे बड़ा नया नजरिया देखा है जीवन में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब तो फॉरगिवनेस का लोगों को समझ में आने के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसा होता है कि भाई मेरे लिए जो एक ऐसा चाहिए था कि मेरी माँ मेरे लिए ऐसी होनी चाहिए थी, या मेरे पिताजी मेरे लिए ऐसे होने चाहिए थे, या मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए थी, और फिर वो नहीं है करके बहुत गुस्सा होता है, उनसे नफरत करते हैं, उनसे संबंध खराब रहते हैं कि भाई मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये नहीं किया, उन्होंने ये ऐसा नहीं किया, मतलब चालू रहता है दिमाग में कंटिन्यूअसली, और वो अपना दिमाग खाते रहता है अंदर से। तो वो अभी बता रहे हैं धवल कि भाई चलो उनको माफ कर, कि जैसी मेरी अपेक्षा थी वैसे आप नहीं हो, ठीक है, मगर है लाइफ में, तो उनको माफ कर। और एक सर मैं एक चीज और एक शेयर करना चाहूंगा कि मतलब वो जो मोमेंट आपने दिखाया था कि आप खुद को 6 साल के हो, वो इमेजिन करो और उस बच्चे को कंधे पे हाथ रख के बोलो कि मैं तेरे साथ हूं। वो जो मोमेंट था, वो जो मैं हिप्नोटिज्म में मैंने इमेजिन किया, जो जो चित्र मैंने खुद के दिमाग में बनाया था, तो उस चित्र से मुझे समझ आया कि ओके, एक्चुअल मतलब ये होता है कि मैं तेरे साथ हूं। एक्चुअल में मैंने तब मतलब महसूस किया कि जब मैं किसी और इंसान को ये बोलता हूं कि मैं आपके साथ हूं, तब उसे कैसा महसूस होता है, उसे क्यों अच्छा महसूस होता है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज मैंने और एक महसूस वेरी की। गुड, गुड गुड। और धवल आपने सवेरे आना है,
सुबह के प्रोग्राम में, जी सर है ना, सुबह जो मैजिक का प्रोग्राम है उसमें भी आने का है। मैं जी मेरे यहाँ सर के जितने भी मुझे कंसल्टेशन करते हैं, जितने भी मुझे लोग बोलते रहते हैं कि भाई हमको कुछ बताओ, मैं सबको बोलता हूँ सुबह आ जाओ 6:30 बजे, और 1 महीना तक पूरा प्रोग्राम करो, 1 महीना सुबह का प्रोग्राम 1 महीना तक करो, देखो कितना ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाएगा। ओके थैंक गुड यू शकील भाई। सर। यस शकील भाई बोलिए। शकील भाई पहले बार देख रहा हूं मैं आपको आज, सर कहां से हो एक्चुअली आप? सर मैं नागपुर से हूँ हाँ और जी आपका हिप्नोथेरेपी सेशन नंबर 17 का मैं आपका पार्टिसिपेंट हूँ सर। अच्छा और एज मेरी काफ़ी है, सो आप मुझे नहीं मालूम था आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं और मुझे इतना लेट पता चल रहा है। तो एक्चुअली मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और व्यूज थोड़ा पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करूँगा कि एक्चुअली मेरी लाइफ में ट्रॉमा काफ़ी रहा है। कई मर्तबा मैं साइकियाट्रिस्ट इवेल्यूएशन में भी गया हूँ, टेम्पररीली दवा खाए है, ठीक हुआ हूँ, मतलब टेम्पररी रहा है बट वो रिकवर हुआ नहीं मैं पूरी तरीके से। तो अभी जब आपका सेशन ज्वाइन किया, मेरा कल का सेशन जो था आपका 4th सेशन था, तो उसमें मैं काफ़ी अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग कि मैं शायद इससे निकल जाऊं, शायद क्या आई कैन से के 100% निकल जाऊंगा। ठीक है, जो उसमें है मुझे IBS की आपने दवा भेजे थे, तो मैं ये पार्टिसिपेंट से सिर्फ यही शेयर करना चाहूंगा टू बी फ्रैंकली इनफ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि बेटर है कि दवाओं का सहारा नहीं लेते हुए सर जो सेशंस ले रहे हैं उसमें अगर आप कंसंट्रेट करेंगे दैट विल बी मोर बेटर फॉर ईच एंड एवरीबॉडी, बिकॉज मेडिसिंस हैव ऑलवेज हैव सम साइड इफेक्ट्स। वो तो आप सर ज्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे, मैं उसमें वो नहीं हूँ क्योंकि मैंने एक साइकियाट्रिस्ट की दवा को इंटरप्ट किया, बीच में ब्रेक किया, जिसकी वजह से मुझे इरिटेशन का और गुस्से का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया। मैंने एकदम कंट्रोल के बाहर ऐसा था कि मैं चाहे शायद अपने आप को कुछ कर लूं या सामने वाले को कुछ कर लूं, बट आपके सेशन ज्वाइन किया जब से, ये मेरा 4th ही सेशन था, मगर मुझे अपने आप पे बहुत ज्यादा कंट्रोल मतलब फील हो रहा है और गुड मैं अब अपने आप को ऐसा समझ रहा हूँ कि मैं अब इवेल्युएट कर रहा हूँ कि दूसरे सही है, सारा गलत नहीं है, मुझे ही अपने आप में सुधार करना है। क्या बात है, बहुत तो बढ़िया। मैं यही मैसेज बाकी के पार्टिसिपेंट से शेयर करूंगा कि भाई आई वॉज टू लेट टू रिकॉग्नाइज दिस बट स्टिल आई फील एवरीबडी इज क्वाइट यंगर देन मी, सो दे स्टिल हैव टाइम, सो वाई नॉट टू ऑप्ट फॉर दिस थिंग एंड गुड आई आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टू यू एंड योर होल टीम, यू आर डूइंग एक्सलेंट जॉब एंड आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट टू कम टू इन कॉन्टेक्ट विथ यू सो लेट। अगर शायद पहले आ जाता तो कुछ और दुनिया होती, बट इट इज नेवर टू लेट, कभी भी रिकवरी हो सकती चलो, हो देर से आया सकती तंदुरुस्त आए, चलो था सर। और प्रॉब्लम सर नहीं आपसे है। एक रिक्वेस्ट है, एक मेरा पर्सनल एक प्रॉब्लम है, प्लीज मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहता था बट दिस इज अप्रोप्रिएट टाइम कि कुछ ऐसा अभी इंसिडेंस हो रहे हैं जिससे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। आपके हिप्नोटिज्म के सेशन तो मैं करता हूँ रेगुलरली, उससे मैं रिकवर हो जा रहा हूँ, बट ऐसा होता है ना सर कि कुछ ना कुछ होते रहता है। तो मुझे आपने IBS की मेडिसिन भेजा है, मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं वो खा नहीं रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि उसके बगैर ही निकल जाऊं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं निकल भी जाऊंगा उसके बगैर, बट अभी मैं 2 दिन से इतना ज्यादा स्ट्रेस हूँ तो आई एम अफ्रेड कि अगर मैं वो मेडिसिन स्टार्ट करूँ तो मैं सर वापस फिर वही ट्रॉमा में ना चला जाऊं। तो आपसे एडवाइस ले रहा था कि दवा चालू करूं या ना करूं। अभी चालू मत करो, थोड़ी तकलीफ होंगी 2 दिन तो सहन जी करो, सर है जी सर ना, जी अभी सर चालू मत जी सर करो, थोड़ा जी सर सहन सच्चा करो। ना सच अ सच अ नाइस वर्क सर, या थैंक थैंक यू यू टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द पार्टिसिपेंट, थैंक एंड यू ऑल द पार्टिसिपेंट आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू ओके थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक थैंक यू सर, यू, थैंक बहुत यू सो मच, बढ़िया। यस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो तो जस्ट शेयर टेकअवेज, क्या क्या आप लेकर जा रहे हैं, लास्ट 3 मिनट्स बचे हैं हमारे पास में, तो जिसको भी शेयर करना है कि आज के 1 घंटे के सेशन से आपको क्या मिला, व्हाट ओपन्ड अप फॉर यू, आपकी जिंदगी के लिए क्या लेकर जा रहे हो, क्या आप अपनाओगे, क्या मिला आपको, एनी न्यू पार्टिसिपेंट? हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। अमोल बोलना है खंडवे, अमोल आपको बोलना है, अमोल कहाँ गए? हाँ इधर है, बोलिए।
सर अभी के सेशन से मुझे जो समझ में आया, जो कि एक सबसे बड़ी चीज है कि पॉजिटिव अफर्मेशन देना है खुद को, उसके बाद डेली रूटीन जो है वो आधा आधा घंटा के हिसाब से सेट करना है पूरा दिन का शेड्यूल, उसके बाद आज दिन भर में ऐसी कौन सी चीज हुई है, रात को सोते समय जो है ग्रेटिट्यूड में सोना है, जैसे हम मैजिक स्टोन का उपयोग करते हैं वो भी एक सबसे बढ़िया तरीका है, और उसके बाद एक ऐसी चीज जो दिन भर में हुई है जो मुझसे होना नहीं चाहिए था के बारे में खुद को कन्फेस करना है, और दूसरा जो है जो मैंने अच्छी चीज की है उसके बारे में खुद को शाबाशी देनी है या फिर उसके बारे में खुद को अच्छा बोलना है, तो ये सब चीजें करनी है अपने। गुड, वेरी गुड, पूरा आपने समराइज कर लिया। यस, ये किसका है? ओप्पो किसका है? ओप्पो, ओप्पो A5 नाम नहीं है। बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप वीडियो चालू कर सकते, बात कर सकते, वीडियो चालू करो, बात करो। ओप्पो A5 2020। यस सर नमस्कार। बोलो। मी आपला, हाँ माझा ह्या दुसऱ्या नंबरवरून फोन केला मी आज। चेहरा दिसत नाही तुमचा, चेहरा दिसून नाही राहिला, तुमचा अंधार आहे डोळ्यावर। हाँ मी ड्राइविंग करत आहे ऍक्च्युली। हाँ 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 हाँ, बोलो। नागपूर वरून, नाही नागपूर, हाँ गाडी थांबवली मी आता। अच्छा नागपूर, हाँ नागपूरला एक्झिबिशन आहे ऍग्रोविजन, तिथून चाललो होतो वापस चंद्रपूरला। गुड हाँ तर आपला गुड गुड पेशंटच आहो मी, गुड। ट्रीटमेंट वगैरे सर्व केली आहे। आणि सर या म्हणजे काय झालं एक सांगू शकतो फक्त? हिंदी में, हिंदी में बात करना अच्छा है, बाकी लोगों को समझेगा, बाकी हाँ हिंदी समझे में सब बात करता लोग। सर। हाँ हाँ जी तो सर मैं एक सर का पुराना पेशेंट हूँ। इतनी सारी यानी दवाई का छोड़ दो, क्या है मैं क्या सर ने पहली बार बोला था, ये दवाई का जो है ये हम सिर्फ आपको देते हैं क्योंकि आपकी समा पेशेंट की जो ये है कि दवाई लिया तो मेरे को अच्छा लगेगा, बस अब मैं अच्छा हो गया हूँ। लेकिन सर के जो सेशन रहते हैं पूरे, और जो पॉजिटिविटी है, इतनी एनर्जी आती है उसमें कि मैं तो पूरा वो दवाई तो लिया नहीं, मेरे मेरे पास टाटा फिर सब पूरी दवाई वैसी की वैसी पड़ी है लेकिन गुड पूरी एनर्जी जो भरी है वो सिर्फ पॉजिटिविटी और जो सेशन मैंने किए है पूरे उसमें से भरी है। बस मैं सर को इतना यानी थैंक्स बोलता हूँ बस थैंक यू, थैंक उसमें। यू हाँ वेरी मच, क्योंकि बहुत बहुत जो धन्यवाद। हाँ सबके लिए मैं एक ये बोलता हूँ कि, और क्या है मालूम है क्या, कि मैंने नागपुर में, मैं नाम भी बोलता हूँ डॉक्टर साहब का, कि मैं तो प्रॉपर वैसा शेगांव का हूँ, सर के नजदीक का हूँ, लेकिन मैं अभी जॉब चंद्रपुर में कर रहा हूँ, मैं एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ खुद। नागपुर में मैंने अपने थोड़ा नाम मत, नाम मत लो, नाम मत बताओ, नाम की कोई जरूरत नहीं। नहीं आपका अनम्यूट, अनम्यूट करो, अनम्यूट, अनम्यूट करो, अनम्यूट, अनम्यूट करो, आप एडमिट म्यूट हुआ हो सर। गए। हाँ नहीं बोलिए, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। तो 6 महीना दवाई लिया मैंने पूरी, लेकिन क्या है मालूम है क्या, सिर्फ दवाई दिया है साहब ने, बाकी कुछ चीजें उसमें मैं जो पूछा था, नहीं ठीक है ठीक है आप दवाई ले लो, बस 1 महीने की दवाई दिया, अगले महीने आ जाओ फिर वापस दवा दो, खत्म हो गया मामला, बाकी कुछ उसमें सलाह नहीं है कुछ नहीं। लेकिन जब से मैं स्टार्ट किया हूँ तो सर ने दवाई लेने का वो मामला ही नहीं है, लेकिन जो क्या है मालूम है क्या, कि जो पॉजिटिविटी, जो सर की बातें हैं, उनकी टीम है पूरी सर की, क्योंकि क्या है उसमें से इतना आदमी को ऊर्जा बढ़ती है। और जो मेरे को जो प्रॉब्लम था कि सर बोलते हमेशा कि आपका जो प्रॉब्लम रहता सबका, अपना जो प्रॉब्लम है सब दिमाग का प्रॉब्लम है, दिमाग के ऊपर से जो है ना पूरा माइंड सेटल हो गया है सब चीज के बारे में। अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, सर ने मेरे को रोक दिया गाड़ी रोको, साइड में लगाओ, बात करो, वीडियो चालू करो, गाड़ी रोक दिया, देखो अभी मेरा दिमाग सेटल हो गया पूरा। तो ये बातें सब दिमाग की है, सबने डायरेक्ट, सर ने डायरेक्ट बोल दिया, बस वही चीजें मैं लेकर चलता हूँ हमेशा, और उसमें से इतनी ऊर्जा आ गई, पूरे मेरे प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गए, पूरे एक भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं रहा। वो कौन गुड सा ही वो मेरे को इतना प्रॉब्लम था पहले,
वो 6 महीने नागपुर की दवा लिया देशपांडे साहब की, डॉक्टर देशपांडे अभी नाम बोल दिया मैंने, ठीक है। हाँ तो वो दवा ले, अभी 6 महीने की दवा, सर सही में बोलता हूँ मैं, 6 महीने की, 1 महीने की दवा के 6,000 रुपए रहते थे और साहब की फी 900 रुपए रहती थी। नहीं बोलता हूँ मैं, सही हो, जो सही है सही है, क्योंकि ठीक है। अभी बाकी लोगों को अभी और बोलने का मौका देंगे लोगों को। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बोलने से लोगों को ऊर्जा मिलती है, आपके शेयरिंग से भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, है ना, सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, और कुछ एनीबडी? तो ठीक है, अगले गुरुवार के लिए मैं फिर से बोलता हूँ कि सबको रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपको लिंक मिलेंगी सबको शेयर करो, ज्यादा से लोगों को शेयर करो, लोगों को लाओ ताकि उनको फायदा हो जाएंगे। यस मनीष जी बोलिए। या अभी 10-12 लोग ज्वाइन हुए हैं, ग्रुप नंबर 99 का मैंने लिंक भेजा था, बहुत हाँ। सारे लोग अभी भी मेरे हिसाब से ज्वाइन नहीं हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वो जो हमारा मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप है कल सुबह से आपको मिल जाए, 6:30 बजे से 7:30 बजे। पंकज कौन है? पंकज बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है कि सवेरे आ जाओ, सवेरे आ जाओ, बोल रहा 2-3 बार। पंकज कौन है? कौन से पंकज? पंकज घनात्रा ने लिखा है कि और कौन पंकज है? मैसेज डाल रहे हो? अच्छा, वो डायरेक्ट आपको चले जा रहा हूँ मैसेज। हाँ मेरे को आ रहा है मैसेज, क्योंकि अपन ने ओपन नहीं रखे हुआ है ना चैट बॉक्स, इसके लिए मेरे को आ रहे ना अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं। तो बोला कि सवेरे आ जाओ, ठीक है आ जाऊंगा। पंकज डाकरे? अच्छा पंकज डाकरे है क्या? हाँ हाँ ओके ओके। तो वो पार्टिसिपेंट को बोल रहे हैं कि आपको सुबह आ जाओ ताकि आपके प्रॉब्लम निकल जाए, ठीक है परसों सवेरे आते, परसों सवेरे आऊंगा मैं, ठीक है ना, परसों सुबह आऊंगा शनिवार को, ठीक है। शनिवार को अपना क्या है? शनिवार को कोई प्रोग्राम है? नहीं सर, आई शनिवार को आप रखें। हाँ शनिवार को आऊंगा, वेरी गुड सर, थैंक यू, ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ वो महेश बोल रहे कि रिपीट कर दो चीजें, ठीक है रिपीट कर देता हूँ। नंबर एक, पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली दो बार देंगे तो बहुत ही अच्छा है, नंबर एक। नंबर दो, नेक्स्ट डे का शेड्यूल लिखो आधे आधे घंटे के गैप से शेड्यूल। नंबर तीन, ग्रेटिट्यूड में रहो, ग्रेटिट्यूड में मतलब धन्यवाद के, इसमें थैंक यू धन्यवाद जो है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो भी है। तीन, नंबर चार वो लिखना है कि जो मैंने नहीं करना चाहिए था वो आज क्या किया, वो लिखना है आपको, इससे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा आपको, धीरे 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 जो नहीं करना चाहिए था वो निकल जाएंगे। जैसा मेरे को गॉसिपिंग नहीं करना चाहिए थी, मेरे को टीवी नहीं देखना चाहिए था, मेरे को लोगों को गुस्सा किया नहीं करना, जो भी है। चार, नंबर पांच, मैंने ऐसा आज क्या किया कि जिस पर मुझे गर्व है वो किया, ऐसे पांच है। थैंक यू वेरी मच, हमने 6 मिनट ज्यादा लिए, और भी किसको कुछ पूछना है तो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में यदि सवाल है और वो अधूरे लेके जाएंगे तो नींद नहीं आएगी तो कार्यक्रम खत्म हो गया है, और किसको कुछ पूछना है तो हम 1-5 मिनट और रह सकते हैं, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, और सभी को फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने शेयर किया लिंक, तो सबसे हम ये डाल दो व्हाट्सएप की, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन ओपन किया है सर मैंने, किसी को बोलना है तो बोल सकते, बोलना है तो बोल सकते। मनीष बोलो, मनीष संगावत, आवाज नहीं आ रही मनीष आपकी, अनम्यूट करो, अनम्यूट। सर मैं ये पूछ रहा था कि मैं, मेरी जो दवाई थी मैंने 4 महीने ली थी सर, मुझे ओसीडी था वो कंप्लीट हो गई सर, हमने 4 मंथ ही कहा था, उसके बाद मेरा है ना सर मैंने मेडिटेशन बंद कर दिया और मेरी ना हैंड वॉश मतलब 20-40% वापस स्टार्ट हो गया, तो मुझे मेडिसिन और लेनी पड़ेगी सर? yes. ये पूछ रहा था, मेडिसिन लो और ये जो है ना हिप्नोटिज्म वो कंटिन्यू करो। अच्छा हिप्नोटिज्म वापस स्टार्ट कर दूं सर? मैंने 4-5 महीने किया। यस, और सर ये मेडिसिन कितने महीने और लेनी है? 4 महीने तो कंप्लीट कोर्स लिया मैंने आपके यहाँ से आने के बाद। देखो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा जल्दी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है सर। मेडिसिन आपके यहाँ से मंगा लूँ सर? किन से मंगाऊँ? मंगा लो, नंबर डाल दो, नंबर का नंबर आपके पास में है, नंबर डाल दो। अमर अठवाड़े सर से बात करनी पड़ेगी? हाँ
ठीक है सर। हेलो सर। ओके यस। हाँ हेलो सर, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि सर आप बोल रहे हैं कि कल सुबह शाम अफर्मेशंस करनी है सर, आपने कहा सर, तो सर क्या बोलते हैं, सपोज कीजिए सर क्या बोलते, जैसे जैसे सर अगर इसे मुझे जैसे वर्क प्लेस में सर क्या बोलते, जैसे वर्क प्लेस पर नॉर्मली मुझे पार्टी वगैरह में सर वहां पे सर जो मेरे से फाइनेंशियली सुपीरियर है और जो सर मेरे से जो मेरे से सक्सेसफुल है इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिकली और फाइनेंशियली, तो सर वहां पे मैं इनफीरियर फील करता हूँ, तो सर यहाँ पे सर ये अफर्मेशन की रिपीटेशन, ये जो आपने रिपीटेशन बताया, ये आपने बताया अफर्मेशन का, इससे सर ये हेल्प कैसे करेगा सर ये अफर्मेशन, क्योंकि रियलिटी तो सर क्या बोलते हैं वहां पे दैट, क्योंकि मैं इनफीरियरिटी फील करता हूँ सर। वो आप इनफीरियरिटी फील कर रहे हैं। हाँ सर। इनफीरियर नहीं हो। हाँ सर। हम तो एक ही लेवल के सर। हाँ सर। लोग एक लेवल के हैं। आपने अपने आप को मार मार के ठोक ठोक के ये दिमाग में डाल दिया कि मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, आप छोटे नहीं हो। हाँ, आपके पास में पैसा कम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पोस्ट छोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एज ए ह्यूमन बीइंग आप छोटे नहीं हो, तो आप अपने आप को छोटा समझते हो। समझना और रहना इसमें बहुत फर्क है। समझना, समझने का नहीं है, जो है वो ठीक है, कंप्लीट है। वो जो स्टोरी है कि मैं छोटा हूं, वो निकाल डालो, बना के रखे। लेकिन लेकिन सर ये जो आप जो आपने ये बताया, क्या बोलते हैं कि अफर्मेशंस करनी है, तो सर ये अफर्मेशंस का क्या लिंक है सर इससे, ये जो अफर्मेशंस दो ना कि भाई मैं संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मेरे बॉस अच्छा के सर साथ में कॉन्फिडेंस से व्यवहार कर सकता हूँ। अच्छा सर। उसका विजुअलाइजेशन करना है कि मैं समझो जाता हूँ, बॉस मुझे ये बोलते हैं तो मैं उनको ये बोलूंगा, वो ये बोलते हैं तो मैं उनको ये बोलूंगा, वो ये बोलेंगे तो मैं उनको ये बोलूंगा, और उनको बिना इंसल्ट किए हुए जवाबदारी से, जिम्मेवारी से, रिस्पेक्ट से बात करूंगा और उनको क्लियरली बोलूंगा जो भी बोलना है। तो सर मैं ये सारी अफर्मेशंस कर रहा हूँ, तो सर इससे एक्चुअल में हो क्या रहा है सर रियलिटी में, अगर बात की जाए हो जाएगा करके देखो। नहीं, बताओ। नहीं नहीं सर, वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इससे एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये मतलब कि कुछ पता तो चले कि ये हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे, हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं सर, कर हम रहे हैं कि हमारे हमारे ब्रेन को रीप्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि चलाने वाला कौन है, अपना ब्रेन है, हमको चलाने वाला सर। यस सर। ब्रेन को रीप्रोग्रामिंग करते हैं, एक तरह का प्रोग्रामिंग हो चुका है ब्रेन का। अच्छा सर। हम वो रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मतलब एक गाना लगाया है, वो कैसेट में गाना है, अब वो कैसेट में गाना वही बजाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, वो पेन ड्राइव है समझो, उसमें एक डाला हुआ है अपन ने प्रोग्राम, उसको पहले फॉर्मेट कर रहे हैं, निकाल दिए, नया डाल दिए। यस सर। ऐसा है वो सर। जब आप ये बोल रहे हो कि ब्रेन हमें चलाने वाला ब्रेन है, हमें चलाने वाला ब्रेन है, तो सर आप आपके कहने का क्या आशय है कि मतलब कि ब्रेन चलाने वाला क्या हाथ पैर तो सर हम खुद ही चला रहे हैं ना, बातचीत तो हम खुद ही कर रहे हैं उस सिचुएशन में और बंदों के सामने, तो यहाँ पे सर ब्रेन का क्या रोल आ रहा है फिर? नहीं, ब्रेन चलाने आपका हार्ट, देखो हार्ट कौन चला रहा है आपका? हार्ट तो सर ऑब्वियस है, ब्रेन ही चला रहा है। ब्रेन चला रहा है। सांस ले रहे हैं आप, कौन चला रहा है? ये सर ब्रेन ही चला रहा है। अपना अन्न पचन हो रहा है, कौन कर रहा है? ये सर ब्रेन कर रहा है। आप अभी जो बोले, हाँ। तो चुप भी बैठ सकते थे, आप चुप नहीं बैठे, आपने चालू कर दिया बोलना। हाँ सर। कौन कर रहा है? ब्रेन ही कर रहा है। कर तो ब्रेन रहा है, लेकिन 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 बैठ सकते थे ना? हाँ, मैं चुप भी बैठ सकते। यस सर। तो वो आपसे रहा नहीं गया, वो ब्रेन ने ऑर्डर दे दिया, बोल बेटा बोल। हाँ प्रकाश बोल, तू तेरे को ये सवाल करना है, उसने ऑर्डर दे दिया, आपने बोलना चालू कर दिया। यस सर। ये भी तो मतलब आप रोक भी सकते थे, मगर चालू किया। यस सर। ये भी ब्रेन ने किया। यस सर। नहीं किया। तो सर जब आप ये बोल रहे हो कि अफर्मेशन कितने बार हेलो प्रमाण, अपन कितने बार बोल रहे हैं मैंने बोलना नहीं चाहिए था मगर मैं बोला, मैंने ऐसा करना नहीं चाहिए था मगर किया, तो हमने क्या किया? ब्रेन का रीप्रोग्रामिंग करें, क्योंकि हमको मालूम है भी सरिता ने बोला। सरिता ने क्या बोला कि देखो मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैंने गुस्सा किया। यस सर। तो वैसे बोलना नहीं चाहिए था मगर बोला। यस सर। ब्रेन कहाँ रहा है?
अच्छा सर, तो सर जब ये ब्रेन कर रहा है तो सर फिर ये जितने भी क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, क्राइम वगैरह करते हैं, तो सर इन्हें सजा क्यों होती है फिर? तो सर हमें तो यही कह देना चाहिए, क्या बोलते हैं कि ये ब्रेन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है, तो सर फिर ऐसे सर फिर सजा, ऐसे तो सर फिर सजा तो होनी नहीं चाहिए, तब सर सबको सर बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि यार ब्रेन ही का, सॉरी ब्रेन कर रहा है, नहीं अभी उनको खुला छोड़ दिया तो उनका ब्रेन वही गुना करेगा, तभी उनको यदि आइसोलेट कर दिया, उनको जेल में रखा, तो वो सर उसमें ब्रेन का रीप्रोग्रामिंग होता है सर, सॉरी उसमें ब्रेन का रीप्रोग्रामिंग होता है, और ब्रेन का जब रीप्रोग्रामिंग होता है तो मान लो जब आप ये ब्रेन का रीप्रोग्रामिंग करते हैं और बाद में फिर जैसा वो बाहर आता है तो काफी सारा बदल जाता है व्यक्ति, क्योंकि वो साल दो साल तीन साल अंदर रहता है तो अंदर फर्क पड़ जाता है ऐसा हो। ठीक है तो हम निकल जाते हैं, बहुत सारा हो गया अभी, ये हम बात करते रहेंगे तो ये अनएंडिंग है, रात हो जाएंगी, रात निकल जाएंगी इसमें। अशोक जी मिश्रा बोल रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं लोग और ये रात हो जाएगी, तो हम रोक देते हैं यहाँ। तो फिर से थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।